कि ये पिछली सरकार के वक्त में घटना हुई जिसकी पूरे मुल्क ने निंदा करी, कंडम किया इस घटना को, हम सब ने कंडम किया। कि किसी को हक नहीं है किसी को मारने का, कानून को तोड़ने का। जो कानून तोड़ा गया उनको सजा मिलनी चाहिए, ये हमारा रुख उस वक्त भी था आज भी है। तो पूरी कंट्री में जहाँ भी घटना हुई है तो कांग्रेस समेत उनको कंडम किया है और यहाँ पे भी कंडम किया गया। वो केस के दालान अलग पेश हो चुका है जिन्होंने उनको मारा, जुडिशरी के अंदर है, सब जुडिस हैं। और ये जो केस है, ये केस है दो लड़के जो पहलू खां के थे वो, और जो ट्रांसपोर्टर था वो, पिछली गवर्नमेंट तफ्तीश हुई उसकी, पिछली गवर्नमेंट तफ्तीश हुई और तफ्तीश पूरी करके चार्जशीट पेश करी कोर्ट के अंदर वहाँ पर 18 को, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि वो बच्चे जो थे उनके, वो हाईकोर्ट में गए हुए थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए पहले, फिर हाईकोर्ट में गए अंतिम जमानत लेने के लिए, एंटीसिपेटेड बेल लेने के लिए, उनको बेल मिल गई वो। तो कोर्ट ने कहा जब तक आप लेके नहीं आओगे मुलजिम को तब तक हम चालान पेश नहीं कर सकते, चालान पेश नहीं कर सकते। जब मुलजिम पेश हुए तो इन्होंने चालान पेश कर दिया। ये घटना की तफ्तीश पुराने वक्त में हुई थी, बीजेपी राज में हुई थी। अब जब ये केस चालान पेश हुआ है तो हमारा काम देखने का तफ्तीश किस प्रकार की हुई है। अगर तफ्तीश में गड़बड़ पाई गई तो हम वापस तफ्तीश करवाएंगे उसकी, मुख्य बात यह है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोई अपना स्टैंड बदल दिया हो। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूरे मुल्क में जो राहुल गांधी जी की हमेशा भावना रही है, ऐसे तत्वों को जो कानून को तोड़ते हैं, गौवंश के नाम पर हत्या कर देते हैं, उसको पूरा मुल्क कंडेम करता है और हम ऐसे मुलजिमों को छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो। गहलोत साहब, जो आरोपी के लिंचिंग मामले में पहलू खान के परिवार पे इल्जाम है कि उस मामले में अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, उनका कहना था कि जो जिन्होंने उनके पिता की लिंचिंग की है उनको अभी तक वो बाहर जमानत बेल पे घूम रहे हैं, उनको अभी तक पकड़ के उनको सजा नहीं दी गई है, उनको इंसाफ नहीं मिल पाया, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको इंसाफ दिलवाएंगे, उनको इंसाफ दिलवा के रहेंगे। अभी तो सब जुडिस मामला है, कोर्ट के अंदर है, पर अगर उनका कोई परिवार या कोई व्यक्ति हमें बताता है कि ये कमी रह रही है, उस कमी को हम दूर करेंगे। हम चाहेंगे कि उनको सजा मिले, ऐसा सबक मिले कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो, ये मेरी धारणा है।